मैं अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मनोज त्रिपाठी जी, डॉक्टर बी एल सिंह साहब, इस समाधान में उपस्थित सभी विद्वत जी, सबसे पहले तो पुनीत दीक्षित जी को याद करते हुए उनके नमन और सुखाएंगे। आज का ये दिन मेरे लिए भी बहुत हर्ष का है कि मेरे अभिन्न मित्र, मेरे सहयोगी श्री मनोज त्रिपाठी जी का सम्मान समारोह यहाँ हुआ, और उस सम्मान समारोह में मैं भी एक माध्यम बना। हम लोगों की मित्रता काफ़ी लंबे अरसे से है। मैं जब जनसत्ता दिल्ली में था उसी दौरान से इनसे परिचय का सिलसिला शुरू हुआ, और जब मैं यहाँ कानपुर में भी एक दो अखबारों में आया तो निरंतर विमर्श होता रहा, बातचीत होती रहती थी, इनके सुझाव मिलते थे, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने मनोज जी में पत्रकारिता के लिहाज से पाया कि ये नई पौध को आगे बढ़ाने में लगे, क्योंकि जब तक आप नई पीढ़ी को नहीं तैयार करेंगे तो उस प्रोफेशन का या उस प्रोफेशन का देश में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसकी तरफ आप कदम नहीं आ सकते। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मुझको इनमें जो पत्रकारिता के लिहाज से लगी वो इनक्विजिटिवनेस, जिज्ञासु प्रवृत्ति, पत्रकारिता के लिए बहुत ज़रूरी सभी प्रोफेशन की जानकारी, और जानकारी हमें क्या मिल सकती है, और ये पत्रकारिता में भी यही है कि हम जानकारी और जुटाएं। जब तक हम अपडेटेड नहीं होंगे, हमारे पास जानकारी नहीं होगी, एक्यूरेट जानकारी, तब तक हम समाज को क्या देंगे। तो ये इनमें सबसे बड़ी खूबी थी, और मैं भी जब हम लोग विचार विमर्श करते रहते थे तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तमाम मर्तबा इनसे मुझे कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलता है। मैं जो आज का विषय है, बहुत समय हो चुका है, इसमें बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा कि हम देश में के विकास में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। अभी डॉक्टर बी एन सिंह साहब ने विकास और निर्माण की दो प्रवृत्तियों को सामने रखा, मैं उनको ये न करके मैं ये मान के चलता हूँ कि हम देश को बेहतर बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं। हम एक इकाई के तौर पर, हम एक परिवार के तौर पर, हम एक समाज। मैं जिस प्रोफेशन में रहा, पत्रकारिता में, तो जब शुरुआत की एज ए ट्रेनिंग जर्नलिस्ट के तौर पर, तब से लेकर के आज तक यही सिखाया गया या सीख रहा हूँ कि पत्रकारिता के लिए बेसिक वैल्यूज़ क्या है, उसके एलिमेंट क्या है। बेसिक वैल्यूज़ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, एक्यूरेसी, त्रुटिहीनता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, फेयरनेस, निष्पक्षता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। मुझे लगता है ये केवल पत्रकारिता के लिए नहीं है, ये तो किसी भी प्रोफेशन के लिए है। आप कोई कारोबार करते हो, आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप एडवोकेट हो, आप ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, आप इंटरटेनर हैं, फिल्म स्टार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हम सबके लिए जरूरी है हम विश्वसनीय बने, पहले अपने लिए। हम एक इकाई के तौर पर विश्वसनीयता अपनी स्थापित करें समाज में, समाज के लिए विश्वसनीय बने, देश के लिए विश्वसनीय बने, हमारे जो काम हो पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, तटस्थ हो। अगर हम ये सब कर लेते हैं इंडिविजुअल इकाई के रूप में, तो मेरा ये मानना है कि इससे बढ़कर और करने की क्या ज़रूरत है। हम सब जिस भी प्रोफेशन में, फील्ड में, कारोबार में, जिस भी जगह हैं, हम देश की सेवा कर रहे होंगे, देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे होंगे, देश के विकास में अपना योगदान दे रहे होंगे, और ये करते हुए हमें दंभ भी नहीं पालना चाहिए कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। ये तो बुनियादी जिम्मेदारी हमारी है। हम ईमानदारी से किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं क्या? अपने लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। अगर जज्बा देश के लिए है तो ईमानदार कोई दूसरा होगा क्या? हमें बनना पड़ेगा ईमानदार। मेरा ये है कि अलग
अलग अलग व्यक्तियों के लिए पैमाने बनाए जाएं, पैरामीटर बनाए जाएं कि देश के विकास के लिए आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। मुझे सूत्र रूप में जो जर्नलिज्म में मुझे सिखाया गया वही सूत्रवाद के लगते हैं कि अगर हम उनको अपनाएं तो पूरे देश के लोग उसके उस राह पर चल करके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने इन बातों के साथ और मनोज जी का फिर एक बार उनका सम्मान और वो करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि ये अवसर मुझे मिला। आप सब लोगों ने मुझे सुनने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ।